Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलो दिलीप बेटा अपनी क्लास में इधर देखो चल 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 अरे अरे ये क्या कर रहा है मेरी बेटी को अरे बदमाश कहीं का अरे तू छोटा क्या अब पागल कहीं का छोड़ मेरे छोड़ मेरी धोती शाम का क्या जाता क्या नहीं शैतान मैं बड़े मालिक को बताऊंगा तेरी शरारतें पता नहीं ये नई नई बातें कहां से सीख के आता है पाजी कहीं का राम की राम चल राम सुनो मेरी बात सुनो शामू काका चलो देखो बेटा ऐसी बदतमीजी नहीं करता अपने से बड़ों का फोन नहीं करता कल मैं दिल्ली के साथ गाड़ी में बैठा मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना मैं भी अपनी गाड़ी में बैठूंगा जरूर बैठोगे बेटा लेकिन बड़ी गाड़ी में बैठने से बड़ा आदमी थोड़े होता है बड़े काम करने से बड़ा आदमी होता है वो क्या होता है माँ दूसरे को दुख समझना उनका दुख बांटना सबका भला करना है ना तुम ठीक कहती हो माँ उस दिन जब मैं सीढ़ियों से गिर गया था मुझे बहुत चोट लगी थी दिलीप ने अपना रुमाल फाड़ के मुझे पट्टी बांधी और डॉक्टर के पास भी लेके गया इसी को इंसानियत कहते बेटा जाओ गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग टीचर अपनी अपनी किताबें निकालो टीचर शट अप टीचर शट अप कार्टून किसने बनाया बोलो ये किसने बनाया दिलीप ये तेरा काम है नहीं ये मैंने नहीं बनाया तेरी शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है स्टैंड अप ऑन द बेंच हाथ आगे बढ़ाओ नहीं मैं कहता हूँ हाथ आगे बढ़ाओ नहीं टीचर ये कार्टून किसने नहीं मैंने बनाया ये मेरे लिए बड़े से बड़ा झूठ बोल सकता है लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता ये कार्टून किसने बनाया Thank you.
बनाना भैया। भैया मेरे लिए बड़ा गोला बनाना और जास्ती रंग डालना। गधा कहे का। इतना बड़ा ऊंट हो गया है होटल का मैनेजर, अभी तक आदत नहीं गई। नहीं माँ, मैं जरा चख रहा था कि खीर मीठी है कि नहीं। क्या होटल में भी सारी चीजें चखते हैं आप? हाँ भाई, काम ही ऐसा है, कुछ चीजें देखने में मीठी होती है और कुछ चखने में। बड़े शरीर है आप, माँ के सामने भी शर्म नहीं करते। अरे पहले बड़ा शर्मीला था, अब दिलीप की दोस्ती में इसके पर निकल आए हैं। अरे माँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, दिलीप की चिट्ठी आई थी। अच्छा? अभी तक कुआं रहा है वो। माँ कोई इसके जैसी खूबसूरत बहू उसे भी दिला दे, नहीं तो जिंदगी भर आवारागर्दी करता रहेगा। मैंने उसके पिताजी को लिखा है, वो जरूर कोई अच्छी लड़की ढूंढ निकालेंगे। मेरा भी तो एक ही बेटा है, तो फिर मेरा बस ऐसा समझ लो कि इन दोनों के बंधन के साथ साथ मेरी कंपनी और तुम्हारी कारपोरेशन का भी बंधन हो गया। वो दोनों लाइफ पार्टनर और हम बिजनेस पार्टनर। हाँ जरा अपने साहबजादी को तो बुलाओ, अंदर है क्या? अंदर? वो क्या क्लार्क है जो अंदर बैठेगा? स्टॉक एक्सचेंज या इसी बड़ी जगह पर कोई बहुत बड़ा कमाल दिखा रहा होगा। तो सर्कस वालों को भी मात कर दिया। अरे वाह यार, क्या बात है, क्या हाथ दिखाया। अरे पिताजी ने दौलत कमाई और मैंने शरीर। हेल्दी सन ऑफ अ वेल्दी फादर। बाय बाय। वजन लगाओ, वजन पाड़ो। ठीक है ठीक है, एक्सरसाइज तो कर रहे हैं लेकिन बड़े फिल्मी पहलवान लग रहे हैं। इसको मारूं? दिखाता है इसको, देखो अपना जोर दिखाता है। अरे नहीं छोड़ दे। अरे रहने देना कि अबे मोटे। सॉरी। शामू काका। दिलीप बेटा, जब जवान सीटी बजाए तो समझ लो आदत से मजबूर, और जब बूढ़ा सीटी बजाए तो कोई ना कोई बात जरूर। क्या बात है? तुम्हारी शादी। शादी? मारे बड़े बाबू कह रहे थे कि कल शाम को 5 बजे लड़की के माता पिता लड़की को लेकर यहाँ आ रहे हैं, लड़का देखने और लड़की दिखाने। श्यामू काका, तुम तो जानते हो कि पिताजी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, जो करते हैं वो जरूर कहते हैं। इस देखने दिखाने के बाद कहीं उस लड़की का फंदा मेरे गले पड़ गया तो? अरे फंदे से पहले तो धंधे की बातें हो रही हैं दिलीप बेटा। श्यामू काका, पहले मुझे ये बताओ कि वो लड़की कौन है, किसकी है और कहाँ रहती है? पूनम चंद जी की, और बंगले का नाम है अभिलाषा। नो पार्किंग है। ओ हवलदार साहब, गाड़ी का नंबर क्या होगा? ओ कुछ नहीं ऐसे तो देख रहा था, आप भी देखिए ना। कितना अच्छा लग रहा है ना। वो देखिए देखिए देखिए, हाँ देखते रहिए देखते रहिए। पापा,
सजनी घर जाना, घर जाना। देख लिया डॉक्टर साहब, यही हाल है। मेरी सात पुश्तों में कोई पागल नहीं था। तो क्या मेरी सात पुश्तों में कोई पागल था? ओहो, तो फिर ये किसके खून का असर है? दोनों के। बेटी, डॉक्टर साहब, इसे कोई ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिससे दो घंटे तक खामोश हो जाए, सिर्फ दो घंटे तक। मैं कोशिश करता हूँ। देखा तब से यही अभिलाषा है, उसे अपना स्वीट हार्ट बना लूं। ये है मेरी बेटी, नाम भी शर्मीली और वैसे भी शर्मीली। आज के जमाने की पैदाश जरूर है, लेकिन जमाने की हवा तक नहीं लगी। देखिए ना कैसी छुई हुई बन के बैठी है। लाख समझाया कि बेटी आजकल ये घूंघट का रिवाज नहीं है, पर ये मानती ही नहीं। लाज शर्म तो औरत का जेवर होता है बहन जी। वैसे मेरा बेटा भी बहुत शर्मिला है। ये है मेरा बेटा दिलीप। मेरी 11 फर्मों का हिसाब इसकी उंगलियों पर है। इसका रुख देखकर मार्केट अपना रुख बदलता है। देखा आपने, बिजनेस में भी ये चलता नहीं, भागता है। बेटा दिलीप, आप हैं सेठ पूनमचंद जी, ये इनकी पत्नी है और ये इनकी बेटी शर्मिली। हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है करमचंद कि भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही पैदा किया। अब सोचते क्या हो, जल्दी से मुंह मीठा करने की बात करो। हाँ, हाँ। इनको भी तो मौका दीजिए बहन जी। आओ पूनमचंद, हम लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं। आइए बहन जी, आइए। बाबूजी, आप कहां तक पढ़ी हैं? आप खाना बनाना जानती हैं? गाना आता है? नाचने का शौक है? आप सोचती होंगी मैं आपसे इसी किस्म के सवाल पूछूंगा, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ एक चीज के बारे में पूछना चाहता हूं, और वो है मोहब्बत। मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है आपका? की जाती है या हो जाती है? अगर आप पहले मेरा ख्याल जानना चाहती हैं तो सुनिए, मोहब्बत की नहीं जाती है, हो जाती है, जैसे मुझे आपसे हो गई है। कल जिस वक्त मैंने आपको दूरबीन से देखा, उसी वक्त से आराम हराम है। जिंदगी के 25 साल मैंने सुख और चैन से गुजारे थे, लेकिन वो रात गुजारना मुश्किल हो गया। मैं बार बार घड़ी देखकर घड़ियों का इंतजार करता रहा कि वो घड़ी कब आएगी जब मैं आपको नजदीक से अपनी आंखों से देखूं। कौन हो तुम? मैं शर्मीली। नहीं नहीं नहीं, नवेली। अच्छा, मेरा अलबेला। नहीं नहीं देवी जी, आप गलतफहमी है, मैं आपका अलबेला नहीं हूँ। ये क्या शोर मच रहा है? ये तो पागलों की तरह हंस रहे हैं। ये तो खुशी का पागलपन है करमचंद, यही तो इनके हंसने खेलने के दिन हैं। अब शुभकाम में देर किस बात की, फौरन मुंह मीठा किया जाए। पिताजी, पिताजी, वो लड़की तो बिल्कुल पाप। बेटा, तुम भी तो मुंह मीठा करो। तो करमचंद, बात पक्की? कल मंगनी, फौरन शादी? फौरन फौरन। अब बीते रहो। मुबारक हो बेटा। जान बचानी है तो भाग जा यहां से, भाग जा, भाग जा। उड़ जा रे पंछी।
समझी दिलीप। क्यों रे दिलीप, जब हम बंबई में थे रोज चक्कर लगाया करता था, यहाँ आए तो साल में चार चक्कर लगाने लगा, फिर चार के दो हो गए, अब तो पूरे डेढ़ साल के बाद आया है तू। मैं आ तो जाता हूँ, लेकिन आप लोग जब से यहाँ आए यहीं के हो गए। भाभी भाभी कहाँ है वो राम का बच्चा? यहाँ आकर होटल का मैनेजर क्या हो गया? वो नहा रहे हैं। अच्छा जल्दी नशे में घूम जाना। ए दिलीप के बच्चे किधर छुपा है? जल्दी निकल बाहर, चल फटाफट। ए तुझे कैसे मालूम है मैं आया हूँ? जब तुम दोनों को साथ साथ देखती हूँ ऐसे लगता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी बैठी है। बिल्कुल ठीक, राम लक्ष्मण सीता और कौशल्या। बस उर्मिला की कमी है। ये उर्मिला कौन? अबे नास्तिक, ये उर्मिला थी लक्ष्मण की पत्नी। श्री आस्तिक जी महाराज, आपको मालूम है कि ये लक्ष्मण भाई बंबई नगरी छोड़कर इस पर्वत पर आपकी शरण में क्यों आया है? सुना मां, ये महाशय शादी के डर से भागे। लड़की पसंद नहीं आई होगी। अरे ये भी तो भागा भागा फिरता था, लेकिन आशा को देखते ही। माँ मैंने भी एक आशा देखी। क्या कहा? तुमने किसी लड़की को पसंद कर लिया है क्या? फर्क सिर्फ इतना है माँ कि इसने देखी आशा और मिली आशा, मैंने देखी आशा और मिली निराशा। ए मिस्टर, तुमने तो कहा था कि सारी शिकार का इंतजाम हो जाएगा, अभी तक तुम्हारे ट्रैकर का पता नहीं है। अजीब बात यह है मैडम, बस आने वाला समझिए। तुमने तो कहा था कि इसी होटल में रहता है। रहता तो यही है। तो फिर रात को कहीं बाहर गया होगा, अभी तक लौटा नहीं। हमारा इसे कोई ताल्लुक नहीं, अभी हम कारतूस लेने जा रहे हैं और हमारे वापस आने तक उसे यहाँ पहुँच जाना चाहिए। समझे? अब्दुल्ला दी तो अताउला इंशाल्लाह माशाल्लाह अबादुल्ला कोई भी हो चलेगा। अंडरस्टैंड? कम ऑन गर्ल्स। ये वही है, वही है, अरे सुन, वही है, अरे वही है, वही है, अंडरस्टैंड? वही है, वही है। अब्दुल्ला का नशा अभी तक नहीं उतरा साहब, वो तो बेहोश पड़ा है रूम। अरे अब्दुल्ला को मारो गोली, ये वही है, चश्मे हमदम गोले गुजार बुलबुले वतन। अरे लेकिन ये है कौन? राम, ये तेरी होने वाली भाभी है। मेरा काम करवा दे राम, प्लीज मेरा काम करवा। लेकिन ये तो शिकार करने आई है। अरे कुछ भी करने आई होगी राम, मैं तेरे पांव भरता हूं, प्लीज प्लीज मेरा काम करवा दे, मुझे सिंगल से डबल करवा दे प्लीज। अरे यार लेकिन ये तो अब्दुल्ला से मिलने आई है। तू मुझे अब्दुल्ला बना दे, उसके सर पे कौन से दो सिंह है? हां उसके सर पे दो सिंह है और एक दुम है। अब्दुल्ला शेर का सामना कर सकता है, तू कर सकता है? नहीं, शर्म आनी चाहिए। फिल्म जानवर इंसान देखी है? उसमें देखा शशि कपूर कैसा शेर से कुश्ती लड़ता है। अरे यार उसका मेरा क्या मुकाबला? राम मुझे ऐसा शेर ढूंढे जो मुझसे डरे, जिसे मैं ना डरूं। शेर और तुमसे डरे? अरे तुझको देखे तो बिल्ली भी म्याओ करेगी। हमको एक शेर चाहिए। वंडरफुल, हम उसको जंगल में ले जाएगा। जी हाँ, और उसके बाद ये अपने गर्लफ्रेंड को जंगल में ले जाएगा। हाँ। जंगल में इसका गर्लफ्रेंड शेर के ऊपर गोली मारेगा। हाँ। और शेर चुपचाप मर जाएगा। हाँ। और उसके बाद ये उसकी नजर में हीरो बन जाएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, लेकिन शेर सीधा होना चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा। हाँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपना दोस्त जो है ना बिल्ली से भी डरता है, आई मीन कैट कैट कैट। लेकिन हम शेर का कीमत देने को तैयार है। कितना रुपए किलो? माय डियर फ्रेंड, ये सर्कस है, कोई जानवर बेचने का दुकान नहीं है। मेरा बात सुनेगा तुमको गोली मार देगा। ना सुनिए सुनिए सुनिए, गुस्सा मत कीजिए, कुछ कीजिए। आई मीन टू से डू समथिंग। आई एम सॉरी। तेरी तो अरे क्या करता है? तो फिर तू कुछ करना। मैं कुछ नहीं करूंगा, क्या समय रखा है? सब्जी मंडी में आया था, शेर को किलो के भाव में खरीद रहे हैं। मैं आपके लिए क्या क्या करूं? लड़की पटाऊं, शेर पटाऊं, शेर के ट्रेनर को पटाऊं, क्या समय रखा मुझे दोस्त? ठीक है बैठ, मैं आता हूं। प्लीज कुछ कीजिए। एक काम हो सकता है। बोलिए बोलिए। हमारा बॉस आज बाहर गया हुआ है। ये तो और भी अच्छा है। इट्स वेरी गुड, इट्स वंडरफुल। क्या कल सुबह तक ये शेर वापस कर सकते हो? व्हाई नॉट, विद फोर लेग्स एंड वन टेल, अलाइव जिंदा, क्यों नहीं, जरूर वापस करेंगे। आपका मतलब है कि आपको मरा हुआ शेर वापस चाहिए? अबे हाँ, तू चुप करना। अपने पास एक बहुत अच्छी आइडिया है, मतलब इनके पास फर्स्ट क्लास आइडिया, फर्स्ट क्लास।
आइए आइडिया बताइए, तू भी आना, तू भी आ। यह हमारा सबसे सीधा शेर राजा, बिल्कुल बकरी की तरह। नहीं मानता, मैं नहीं मानता। घबराइए मत, आइए हम आपको बताते हैं। हाँ घबराओ मत, आइए आइए ना। नहीं नहीं, अरे घबराइए मत, आइए ना आइए। नहीं नहीं, देखा बिल्कुल गाय, उसके लिए तो गाय होगी, अपने लिए तो मौत है मौत। जाइए अंदर जाइए। नहीं चल नहीं यार, जब लड़की से दोस्ती करनी है तो शेर से भी दोस्ती करनी है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चल नहीं यार, चल ना। हाँ चल, ओ चल नहीं। नमस्ते राजा साहब, मेरा नाम दिलीप है। राजा साहब, अरे ये तूने क्या किया, तूने तो शेर को मार दिया। खून निकला हा? नहीं नहीं, शेर मरा नहीं है बेटे, सो रहा है। ये देखो, ये इसे कहते हैं गैस्ट्रॉट। हाँ, इससे शेर मरता नहीं है, बेहोश होता है। कितने बजे हैं? साढ़े दस। साढ़े दस, और वो अब्दुल्ला ट्रैकर का बच्चा अभी तक नहीं आया। मेरा बस चले तो शेर से पहले मैं उसे गोली से मार दूं। समझता क्या वो अपने आप को? कम इन मैडम। मैडम? हाँ हाँ मैडम, लेकिन तुम कौन हो? आप ही अब्दुल्ला ट्रैकर हैं? अरे भाई मैं आदमी बहुत छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरी बुकिंग बहुत बड़ी बड़ी चल रही है। आज मैं सिर्फ लीना जी की बुकिंग में हूँ। किसकी बुकिंग में हूँ? किसकी बुकिंग में हूँ? हाँ लीना जी की बुकिंग। हाँ। मैं लीना जी की तरफ से आया हूँ। आप लीना जी की तरफ से क्यों आए हैं? लीना जी अपनी तरफ से मेरी तरफ क्यों नहीं आई? ये मेरी इंसल्ट है। नहीं नहीं नहीं, नहीं आपकी इंसल्ट नहीं है। दरअसल मैं लीना जी की तरफ से आपकी तरफ आया हूँ इसलिए कि वो शेर से डरती है। अच्छा डरती है? अरे तो यार एक पैक पिला दो, शेर उनसे डरने लगे। नहीं नहीं, वो विस्की नहीं पीती। नहीं पीती? अरे तो ऐसा करो, कोका कोला में मिला के पिला दो, रंग जमाता है कोका कोला। और फिर शराब से दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो नहीं होता? क्या काम मैंने? दुनिया में शराब से कौन सा काम नहीं होता? मगर भाई ये जंप कैसी थी, क्या तुम भी कोई शिकारी हो क्या? हूँ दादा, एक छोटा सा चुनिंदा सा शिकारी। अरे वाह मेरे चुनिंदा सा शिकारी, तब तो तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। लेकिन सुनो, जब तक के शिकारी अपना कारनामा न सुनाए मैं उसे शिकारी नहीं मानता। अपना कोई कारनामा सुनाओ। क्या सुनाओ? कारनामा सुनाओ। सुनाओ। सुनिए। सुनाओ। एक बार एक राजकुमारी को लेकर मैं शिकार पे गया। एक राजकुमारी? हाँ एक राजकुमारी। अच्छा, हम दोनों मचान पे चढ़े। काहे पे चढ़े? मचान पे चढ़े। अच्छा मचान पे चढ़े। हाँ। इतने में झाड़ियों से एक शेर निकला। निकला साला? हाँ। अच्छा, शेर को देखते ही हाँ राजकुमारी थरथर कांपने लगी। अरे तो साली को दारू पिला देने। अरे पिलाई दादा पिलाई, बोतल खोल के मैंने पैग डाल के कहा पी जा, पी गई होगी। क्या हुआ फिर? फिर मैंने बोतल ली। नहीं वो खाली, चलो मैं दूसरे जाता हूँ। और ये तो और अच्छा है दादा, ले आइए। फिर ये बोतल, हाँ ये बोतल। हाँ शाबाश। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोतल खोली। अच्छा, उससे ग्लास लिया। लिया। अरे फेंक बना। वाह कहा पी जा। पी जा। फिर क्या हुआ? फिर जानते हो शेर उसे क्या दिखा? अरे सब तो शेर उसे हैदराबाद की शेरवानी दिखा होगा। क्या दिखा होगा? हैदराबाद की शेरवानी। फिर क्या हुआ? फिर हाँ। फिर मैंने उसे ग्लास लिया, लिया। बोतल खोली, खोली। फेंक बनाया। बनाया। कहा पी जा। पी जा। फिर क्या हुआ? जानते हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर उसे शेर क्या दिखा? क्या दिखा? अब तो शेर उसे शेरवानी का बटन दिखा होगा। क्या दिखा होगा? शेरवानी का बटन। बटन दिखा होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने बोतल खोली। फिर बोतल क्यों खोली यार? अरे खुल गई तो खुल गई। और मैंने ग्लास लिया, ग्लास उसने फेंक दिया होगा, फोड़ दिया होगा। बस बोतल दिया था लेकिन मैंने उसे बोतल दे दी।
उसने इनकार कर दिया होगा। नहीं 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 उसने इनकार नहीं किया। उसने बोतल ली और पी बोतल उसने पी पी अगर उसने बोतल पी तो मैं भी पी जाऊंगी। अच्छा अच्छा पूरी बचा पूरी जानते हो क्या हुआ? फिर वो बेहोश हो गई। क्या हो गई? बेहोश। अब्दुल्ला आप कितने अच्छे हैं। आप आराम कीजिए, मैं आपका काम करता हूँ। लौट भाई फिर मैं फुर हो गया। फिर क्या हुआ? कौन है तुम? जिसका आपको इंतजार था। ये क्या मजाक है? मैं तो आपका इम्तिहान ले रहा था। इसे देखते ही इन सब का तो फ्यूज उड़ गया, लेकिन आपका नहीं उड़ा। आपने फौरन बंदूक उठाई। क्या फुर्ती है, क्या अंदाज है। हाँ मैं समझ गया कि आप ही लीना है। अब आप भी समझ आइए कि मैं अब्दुल्ला हूँ, लीना अब्दुल्ला। पहले आप ये बताइए आप लेट क्यों हुए? अपॉइंटमेंट 10 बजे की थी ना। उफ़ो, गुस्ताखी माफ। आज एक अन्नाड़ी शिकारी से पाला पड़ा। कम वक्त में 12 गोलियां जाया की, एक भी निशाने पे नहीं बैठी। आखिर बंदूक मुझे चलानी पड़ी। एक ही गोली से चीता ढेर हो गया। इसे देख रही हैं आप, यही है वो चीता। अभी गर्म गर्म ताजा मार के ला रहा हूँ इसे। रियली? ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं जी। पहली बात तो ये कि पहली गोली की आवाज सुनकर ही चीता भाग जाता है। बाकी 11 गोलियां चलने तक वो आपका मुंह देखता रहा ताकि कब आप गोली चलाएं और कब वो ढेर हो। और दूसरी बात? हुजूर, दूसरी बात ये कि चीते का शिकार करके उसे स्टफ करके इस हालत में लाने के लिए महीनों लगते हैं। वेरी गुड, आप दूसरे इम्तिहान में भी पास हो गई। अब फिक्र करने की क्या बात है, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ और शेर जंगल में है। मौसम कहता यही है वो जगह। फॉलो मी। आपको कैसे मालूम? खत का मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। पत्ते पत्ते पे शेर की बू लिखी हुई है। आइए नाक का इस्तेमाल कीजिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने है कुल ही न जाने है, बाग तो सारा जाने है। निशान, शेर के पंजे का निशान। गर्म गर्म आइए इधर उधर किधर। हाँ एक दो तीन। हाँ इधर ये। हाँ ऊपर। शेर पेड़ पर नहीं चढ़ता। पेड़ पर नहीं चढ़ता। हाँ ये। ये क्या आप हमें उल्टा सीधा घुमा रहे हो? उल्टा सीधा? यस। ये शेर पेड़ोबाज मालूम होता है। मेरा मतलब है ये शेर एक शराबी को मार के खा गया होगा, इसलिए शराबी बन गया। एक मिनट इधर आइए। आप कौन से कारतूस इस्तेमाल करती हैं? दिस वन। दिस वन? उफ, बिल्कुल बासा। ये इस्तेमाल कीजिए, एकदम ताजे हैं, अभी अभी युगांडा से आए हैं। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ शिकारी हुड। मैं सब शिकारी मैदान जंग में पहुंच गया है। अब मैं उसका शिकार लेने आया हूँ। अब मेरा मतलब है शेर, शेर अपना राजा। नो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरा बॉस आ गया है, अब मैं आपको शेर नहीं दे सकता। ये कमबख्त बॉस कहां से आ गया? मैं सब कुछ कीजिए ना, नहीं तो बेचारा बेमौत मारा जाएगा। सॉरी, मेरा आइटम का टाइम हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा? राजा, राजा साहब अपनी प्रजा का ख्याल कीजिए ना, नहीं तो वो गरीब बेमौत मारा जाएगा। अगर आपको फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, तो अपने किसी भाई बहन को भेज दीजिए प्लीज। अब आप लोग तैयार रहिए, 5 मिनट में शेर आने वाला है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने शेर से अपॉइंटमेंट लिया हो। अपॉइंटमेंट लेकर ही आ रहा हूँ। 5 मिनट पहले कैसे हो गया? शेर को ढेर करने से पहले अब्दुल्ला का कमाल देखिए। दिलीप।
हेलो राजा साहब, राजा साहब देखो अभी अभी जैसे मैं बोलूं तुम वैसे वैसे ही करना, तुम भैया ना वेरी गुड मुबारक हो, चलो फोटो लेते हाँ चलिए ना। थैंक गॉड, वेरी गुड जैसे सोचा था वैसे हो गया। देखिए हिली मत ओ घबराइए मत, 5-10 मिनट तक कोई खतरा नहीं है, एक और वही रही आप लोग सुने कि मैं और आपको जनाऊंगा। एक कथे सर्कस वाला राजा दगा दे गया क्या? हाँ, ये असली शेर है जंगल का। तू कांप क्यों रहा है? मैं कांप कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कम ऑन, हिलिए मत। शेख जी, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब अब्दुल्ला की शरारत है। अब्दुल्ला कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। यू स्काउंडल, कम डाउन। चाहिए प्लीज, नीचे उतरो। जरा ठहरिए। यू नीचे उतर, अभी बैठे जो मजा चखाती हूँ। डोंट शूट। अब कहाँ भाग के जाएगा? तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। कड़वे बोल ना बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। कड़वे बोल ना बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। नशोलापन के लहराओ, कभी तो फूल बन जाओ। नशोलापन के लहराओ, कभी तो फूल बन जाओ। ये गुस्सा छोड़ दो जाना, मेरे नजदीक आ जाओ। ये गुस्सा छोड़ दो जाना, मेरे नजदीक आ जाओ। कड़वे बोल ना बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। कड़वे बोल ना बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा।
तुम जान लो दिलबर, जरा पहचान लो दिलबर, मुझे तुम जान लो दिलबर, जरा पहचान लो दिलबर, मेरी इंसानियत को तुम खुदारा मान लो दिलबर, मेरी इंसानियत को तुम खुदारा मान लो दिलबर, कड़वे बोल ना बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा, कड़वे बोल ना बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा क्या बिगाड़ूंगा। मिस लीला ने 10 फुट का शेर मारकर हमारी हंटर्स क्लब का नाम रोशन किया है। व्हाट रोशन? लीना 10 फुट का शेर कभी नहीं मार सकती। ओहो डार्लिंग, जब तुम जैसा बुड्ढा औरत 9.5 फुट का शेर मार सकता है तो लीना जवान छोकरी है, 10 फुट का नहीं मारने सकता। शट अप, हमारा रिकॉर्ड कभी नहीं टूट सकता, ये सब झूठ है। मिसेस बालू, अखबार में फोटो छपा है तो सच ही होगा। लेकिन जब तक हम शेर नहीं देख लेगा यकीन नहीं करेंगे। ऑल राइट मिस्टर प्रेसिडेंट, आप 30 पद छुट्टा दीजिए, मैं अभी ईरानी होटल से टेलीफोन करता हूँ। क्या हुआ? मेरे घर में मेरा अपना फोन है, मैं अभी पता करता हूँ। हेलो, लीना स्पीकिंग। मैं प्रेसिडेंट ऑफ हंटर्स क्लब बोल रहा हूँ, टाइगर। कॉन्ग्रेचुलेशन लीना, हम सब लोग वो 10 फुट का शेर देखने आ रहे हैं जो तुमने मारा है। बैंग बैंग। जी मैं मिसेस भालू बोल रही हूँ। भालू, भालू, हमारा शेर देखना बहुत जरूरी है, आज नहीं तो कल। इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। परसों? नॉट पॉसिबल परसों, नेक्स्ट मंथ जरूर दिखाएंगे। नथिंग डूइंग, इस संडे को। यस, इस संडे 4:30 बजे हम सब लोग आ रहे हैं, इट्स फिक्स्ड। हेलो हेलो हेलो, अब क्या होगा, संडे को 4:30 बजे आ रहे हैं। लेकिन आप है कौन? कोई बात नहीं। ओए बेटी, है इधर, ये देखो। क्या हुआ? बताता हूँ। हमारा नाम अला गोंसाल्स क्रिस्टो मामरबिलो सोलो स्पैनियल प्रेगो है। हम गोल्डन टैक्सीडर्मिस्ट कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है। बेबी, तुमने जो 10 फुट का शेर मारा है ना, वो शेर हमारे कंपनी को दो, हम उसको स्टफ करेगा, स्टफ करके उसका स्किन तुम्हारे स्किन के जैसे चिकना करेगा। अभी तुम शर्माते हो बेबी, क्योंकि तुम बड़ा हो गया। हम तुम्हारा फादर पुरुषोत्तम, मेरे दोस्त, मेरे हमदम, तेरी जगह मैं क्यों नहीं ऊपर गया? तुमको नहीं मालूम बेबी, तुमको नहीं मालूम, तुम्हारा डैडी और हम बहुत फास्ट फ्रेंड्स। सर याद करने की कोशिश करो, 1952 हम तुमको अपने गोद में लेके आए, तुम्हारा डैडी के साथ शिकार के वास्ते गया, अचानक तुम कीचड़ में गिर गया, रोने लगा, हमने तुमको बाहर निकाला, अपने हाथ से तुम्हारा कपड़ा बदली किया। शेर किधर है? शेर 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 जानवरों की खाल का काम करते हैं ना, कहीं से भी किसी का भी शेर ला दीजिए ना, ला दीजिए ना। मुझे मिसेस भालू के 9.5 फुट के शेर का रिकॉर्ड तोड़ना है। किसके 9.5 फुट के शेर का रिकॉर्ड तोड़ना है? मिसेस लीला भालू के। मिसेस लीला भालू? सुना है तुम्हारे पास 9.5 फुट का सब टाइगर है?
क्या तुम वो टाइगर मुझे एक दिन के लिए किराए पर दे सकते? किराए पे? नहीं। बोलो आप दोगे? तुम। लेकिन सुनो, तुम्हारी बीवी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। वो तो पता चल ही जाएगा। पता चल जाएगा। पता लगेगा? नहीं लगेगा। सुनो, सुना है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं देती? कभी कभी मूड में होती है तो देती है। देती है? देती है? नहीं देती। ये 100 रुपया रखो और अपनी कोट के जेब में एक क्लोरोफॉर्म का रुमाल रखो। अगर तुम्हारी बीवी को शक हुआ मिस्टर प्रेसिडेंट, 4:30 ऑलरेडी। प्रेसिडेंट, हमको तो सब फ्रॉड लगता है। हम 20 साल जंगल में घूमा, तब सारी 9 फीट का शेर मारा। ये कल का छोकरी 10 फीट का शेर कैसे मार सकती है? अब मार सकती है डार्लिंग, मार सकती है। यू नो मारना इज एन आर्ट। कुछ लोग जंगल से शेर मारता है, कुछ लोग घर से शेर मार देता है। नॉनसेंस। शेर आ गया है, चलिए। टाइगर। हैप्पी लैंडिंग। क्या हुआ? ओह नथिंग। ये टाइगर ठीक 10 फुट का है, हम इसे नाप के दिखाते हैं। तीन, पांच फीट, सात फीट है, 10 फीट। ओह नो, सब फ्रॉड। लीना, मिसेस भालू, आपका रिकॉर्ड टूट गया। मिस लीना ने 10 फुट चेंज का शेर मारकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके बदले में आप कुछ तो लेंगे ना? लेंगे, लेंगे, जरूर लेंगे बेबी। लेकिन बेबी, ये जरा प्राइवेट है ना? गर्ल्स प्लीज। बाय बाय अंकल। एक्चुअली बेबी, ये सब अब्दुल्ला ने तुम्हारे वास्ते किया। What? हाँ बेबी, सोचो जरा सोचो। अगर अब्दुल्ला तुम्हारा फोटो अखबार में नहीं देता तो तुमको इतना इज्जत कैसे मिलता है? हाँ वो तो ठीक है, उसमें थोड़ा बचपना जरूर है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। लेकिन तुम तो बंदूक लेके उसके पीछे भागता था। हाँ मुझसे गलती हो गई, मिलेगा तो मैं माफी मांग लूंगी। बेबी, अब्दुल्ला तुमको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। एक्चुअली वो अब्दुल्ला भी तुम्हारे वास्ते बना। उसका नाम अब्दुल्ला नहीं है, दिलीप है। दिलीप है? दिलीप? तुमको मिलने के वास्ते अभी आएगा। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? बेबी, तुम समझता क्यों नहीं? अगर ये नहीं जाएगा तो वो कैसे आएगा? सुनिए तो। तुम? आपका मैसेज मिला, हाजिर हो गया। इतनी जल्दी? जल्दी? ओह सॉरी, हाँ जरा जल्दी जरूर आ गया, लेकिन आप तो जानती हैं जमाना कौन सा है, इंसान चांद तक पहुंच गया है। मैं अगर अपने चांद तक पहुंच गया तो। मिस्टर दिलीप। क्वाइट राइट, यही मेरा असली नाम है। उर्फ अब्दुल्ला ट्रैकर। अब्दुल्ला ट्रैकर बनकर मैंने आपको ट्रैक कर लिया। उर्फ अरे प्रेगो। ए नहीं, मेरा नाम वो उड़ो प्रेगो नहीं है। तुम्हारी दाढ़ी मुझ कहाँ है? आपको मालूम हो गया? पहरूपिया। बस समझ लीजिए, मैंने आपके दिल में उतरने के लिए कई रूप धारण किए, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से ईसाई। तुम्हें तो नेशनल इंटीग्रेशन का इनाम मिलना चाहिए। अजी, अगर आप मुझे पर्सनल इंटीग्रेशन का इनाम दे दें तो बहुत अच्छा होगा। मेरे
यार की यारी देख के एक सूरत प्यारी देख के दिल कहता है दिल कहता है दिल कहता है मोहब्बत हो गई। मेरे यार की यारी देख के एक सूरत प्यारी देख के दिल कहता है दिल कहता है दिल कहता है मोहब्बत हो गई। हाय मेरे यार की यारी देख के एक सूरत प्यारी देख के दिल कहता है दिल कहता है दिल कहता है मोहब्बत हो गई। एक सपना देखा करता था तुझे बाहों में ले जाऊंगा एक चलती फिरती अग्नि से सीने की आग बुझा लूंगा। एक सपना देखा करता था तुझे बाहों में ले जाऊंगा एक चलती फिरती अग्नि से सीने की आग बुझा लूंगा। यारी देख के एक सूरत प्यारी देख के दिल कहता है दिल कहता है दिल कहता है मोहब्बत हो गई। क्या कहना हर बात मुझे तो मार गई वो इश्क की बाजी जीत गया मैं हुस्न की बाजी हार गई। मेरे यार की सूरत क्या कहना हर बात मुझे तो मार गई वो इश्क की बाजी जीत गया मैं हुस्न की बाजी हार गई। मेरे यार की यारी देख के सूरत प्यारी देख के दिल कहता है दिल कहता है दिल कहता है मोहब्बत हो गई। मेरे यार की यारी देख के एक सूरत प्यारी देख के दिल कहता है दिल कहता है दिल कहता है मोहब्बत हो गई। साहब आपका तार। थैंक यू। दिलीप बेटे तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है फौरन चले आओ। शामू काका दिलीप नहीं आया। तार भेज दिया है। प्लीज ज्यादा ना बोलिए डॉक्टर साहब ने मना किया है। बोलने दो छाती पे बहुत वजन। दिलीप तुमने मुझे बेटे से ज्यादा प्यार दिया है। तुम मेरे बेटे नहीं हो। मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? तुम मेरे दोस्त जज साहब के बेटे हो। बेटा भगवान तुम्हारा मालिक। हेलो हेलो डॉक्टर साहब जल्दी आइए। जज और उसके खानदान का खून 3 साल के बच्चे के सिवा पूरा खानदान खत्म।
खूनी रघुवीर पुलिस की गोलियों का शिकार। श्यामू काका। हाँ बेटा। क्या ये थे मेरे पिता? नहीं नहीं, ये अखबार मुझे दे दो, इससे तुम्हारे पिताजी का कोई वास्ता नहीं। और तुम्हारा? कुछ नहीं। श्यामू काका, तो फिर मेरे पिताजी ने ये सब चीजें 22 साल तक संभाली क्यों? मैं कुछ नहीं जानता। शायद तुम मेरे माता पिता की असलियत मुझसे छुपाना चाहते हो। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्या क्या वो बुरे थे? नहीं। क्या उन्होंने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार किया था? नहीं। क्या उन्होंने अपने खानदान से निकाल फेंकने के लिए मुझे इस घर में सौंप दिया था? नहीं नहीं। तुम्हें जवाब दो शामू काका, जवाब दो। तुम्हें कसम है उसकी जिसका तुमने नमक खाया है, जवाब दो, जवाब दो। दिलीप बेटा, तुमने बहुत बड़ी कसम खिला दी, वरना मेरी जान भी चली जाती तो नहीं बतलाता। बेटा, तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में जानकर दुख होगा, इसीलिए ये राज तुमसे छुपाया गया, यकीन मानो असल में यही है तुम्हारे पिता, ये तुम्हारी माँ और ये तुम्हारे भाई बहन और ये वो बदमाश खूनी रघुवीर जिसको तुम्हारे पिता ने खून के जुर्म में फांसी की सजा दी थी। वो मक्कार आदमी बदले के जोश में पागल होकर एक दिन जेल से भाग निकला। सारी दुनिया का फैसला करते हैं, हम बच्चों का फैसला क्यों नहीं करते? अरे मैं तो मुजरिमों को सजा देता हूँ, मासूमों को नहीं, बच्चे मासूम होते हैं। कौन हो तुम? मैं वही रघुवीर हूँ जज साहब, इसको आपने फांसी का हुक्म दिया था। नहीं। मेरी जान ले लो, मैं तुम्हारे पैर था, उसकी बीवी और एक बच्चा भी था, न जाने उनका क्या हुआ।
गिरधारी लाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे इंस्पेक्टर, हम दोनों बिल्कुल भाई की तरह थे। बच्चों को देखकर मैं अपने बे औलाद होने का कम भूल गया था। आज न भाई रहा न बहादुर बच्चे। अब इस मासूम बच्चे का क्या हो? तुम चिंता न करो शंभू, आज से मेरा बेटा है। मैं इससे वो प्यार दूंगा जो आज तक किसी बाप ने अपने बेटे को न दिया हो, और इसकी देखभाल भी तुम्हें करनी होगी। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा शंभू, आज के हत्याकांड की बात इसे कभी नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहता कि मासूम बच्चा आगे चलकर यह महसूस करे कि दूसरों के सहारे बड़ा हो। दिलीप बेटे, तुम बड़े मालिक की आखिरी निशानी हो। मैंने और उन्होंने तुम्हें किस तरह सेंक सेंक कर पाला था। तुम सबसे छोटे थे ना, मुझे अच्छी तरह याद है। बड़ी मुन्नी, गुड्डी, टिट्टू, पप्पू, बंटी और बिट्टू, बड़ा शैतान था वो किस तरह तुम्हें बारी बारी गोद में लेकर खिलाने के लिए जिद किया करते थे। पर मैं उन्हें डांट दिया करता था और वो नाराज हो जाया करते थे। काश आज वो जिंदा होते। बड़ी मुन्नी की शादी हो गई होती, पप्पू और बंटू दोनों वकील बन गए होते, गुड्डी बिटिया की शादी की तैयारियां हो रही होती, और मैं बड़ी मुन्नी के बच्चों को कंधों पर लेकर। बड़ी मुन्नी बच्चे, मेरे पिता जज थे, मुजरिम को सजा देना उनका काम था, लेकिन जो काम वो अधूरा छोड़ के, वो काम अब उनका बेटा पूरा करेगा। शामू काका, मुझे कसम है अपने पिता के खून की, अपने माँ के सुहाग की, अपने भाइयों के खिलौनों की, अपनी बहनों की छुरियों की, कि जब तक मेरी पिस्तौल की गोलियां उस खूनी रघुवीर के सीने को छलनी छलनी नहीं करेंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन दिलीप बेटे, क्या मालूम वो खूनी अब तक जिंदा है या नहीं? वो जरूर जिंदा होगा शामू काका, और सिर्फ इसलिए जिंदा होगा कि उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। अब वो मेरा शिकार है, मैं मौत का साया बनकर उसके सर पर मंडराऊंगा, और वो जहां भी होगा आज से अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू कर देगा। तुमने अपना होलिया बदल लिया, नाम बदल लिया, रघुवीर से दीवान हो गए, मगर हमसे चालबाजी करेगा तो चोरास हमारे सीने में पिछले 20 साल से है, बाहर भी आ सकता। आहिस्ता बोलो आहिस्ता, दीवार के भी कान होते हैं। हम चुप है, हम नहीं बोलेगा, पर चुप रहने का भी कीमत होगा। हम गॉड फीरिंग आदमी, सिर्फ 1 लाख। क्या? 1 लाख, 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, अगर 5-10 धरा की बात होती तो शायद। बोलो ना, 10-5 हजार से अब काम नहीं चलता। हमसे तो कोई हमारा जान का कीमत मांगे तो हम शर्ट पैंट गंजी सब कुछ बेचकर अपना जान बचाएगा। तुम्हारा इतना बड़ा सर्कस है, 50 लाख तक तो होगा, 1 लाख कोई जास्ती नहीं। तुम्हें बॉस ने बुलाया।
आओ गिरधारी, कहो जेल में कैसी गुजरी? जेल में आजकल बहुत आराम है बॉस, बाहर बहुत लफड़ा। बॉस तुमने कहा था कि जब मैं जेल से वापस आऊंगा तो तुम मुझे सर्कस में काम दोगे, अभी काम देना पड़ेगा। जरूर दूंगा, मगर काम देने से पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना। अरे बॉस, हम आपका एक नहीं 100 काम करेगा, अगर तुम बोलेगा ना तो हम तुम्हारी खातिर अपना जान देगा बॉस। शाबाश, लेकिन मैंने तुम्हें जान देने के लिए नहीं, जान लेने के लिए बुलाया है। सॉरी बॉस, मैं 200-400 रुपए के लिए इतने बड़े जोखम का काम नहीं कर सकता। और अगर ये 2-4 हजार हो जाए तो? जी ये लो, ये है 4 हजार और इतनी ही रकम काम के बाद मिलेगी। और कभी पुलिस ने तुम्हें धर लिया तो मैं छुड़ाऊंगा तुम्हें। खून किसका करना है? जॉन का, सुबह होने से पहले। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो जानता है मैं कौन हूं। तुम कौन हो ये बताना जरूरी है? काम करने से पहले जानना बहुत जरूरी है बॉस। किसी को बताओगे तो नहीं? मां कसम। सुनो, जॉन है? कौन है? अंदर आ जाओ। क्या मांगता है? हमको दीवान ने भेजा है। तो आ गया साला लाइन पर। माल लाओ। माल लाए, 10-10 का नोट मांगता है के 100-100 का। हम गॉड फियरिंग आदमी है, क्यों लाया है? ये ले। जॉन का खून कर हुए। अब तुम तमाम जिंदगी मेरे इशारों पर नाचते रहोगे। मेरा एक राज तुम्हारे पास है, तुम्हारा मेरे पास। यस, 9-12 टाइम्स बोलिए। 25,000 रुपए नकद देना होगी। मैटर क्या है? 1 मिनट। रघुवीर नाम का एक शख्स जिसके बारे में पोस्ट बॉक्स नंबर 247, ये इश्तहार किसने दिया होगा? मां। हाँ बेटे। पिताजी का स्वर्गवास हुए 22 साल हो चुके ना, 18 अगस्त 1947 था। हाँ, लेकिन आज तुझे यकायक पिताजी की याद कैसे आई? यूं ही माँ, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है ना, हर साल जब ये दिन आता है तो मुझे पिताजी की याद आ जाती है। हिंदुस्तान की आजादी के ठीक 3 दिन बाद। क्या सोच रहे हैं आप? होटल जाने का इरादा नहीं है क्या? अरे हाँ, असली बात बताऊं तो मैं भूल ही गया। माँ, आज मैं बंबई जा रहा हूँ। क्यों? वो एक होटल का जरूरी काम आ गया है, इसी बहाने दिलीप से मुलाकात हो जाएगी। उसके पिता की डेथ पे भी मैं नहीं था। आशा चलो मेरा सामान पैक करो। ये इश्तहार पढ़ा तुमने? क्यों नहीं पढ़ी, कोई खास बात है क्या? रघुवीर नाम के खूनी आदमी का पता लगाने वाले को 25,000 रुपए इनाम। क्या 25,000? हाँ, बाय गॉड, अगर मुझे इस आदमी का पता लग जाए तो सर्कस के इस खतरनाक आइटम को छोड़कर फौरन रानी से शादी कर लूंगा। मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने खबर पढ़ी क्या? पढ़ ली है मैंने। कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, अगर उसे यह पता चल जाए कि आप ही रघुवीर हैं तो आपके लिए खतरा। नहीं,
खतरा सिर्फ उसको होता है जो मेरे लिए खतरा बनने की कोशिश करता है। मेरी असलियत सिर्फ तुम जानते हो। अगर तुमने जबान खोली तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा सर। ये सर हेलो, क्या आप ही ने अखबार में इश्तहार दिया था? आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपको रघुवीर के बारे में सब कुछ बता सकता हूँ। कौन बोल रहे हैं आप? माइकल परेरा। कौन माइकल परेरा? मैं सर्कस में काम करता हूँ और मैं आपको आखिरी शो के बाद मिलूंगा। नहीं, मैं अभी इसी वक्त आपके पास आ रहा हूँ। Excuse me, आप माइकल को जानती हैं? माइकल वो है। ओह, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, क्या आप ही सर्कस में सबसे खतरनाक आइटम पेश करते हैं? आपको तो मैंने आखिरी शो में आने को कहा था। मैं इंतजार नहीं कर सकता। जो आग मेरे सीने में जल रही है, मैं उसे रघुवीर के खून से। I'm sorry, इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन प्लीज, वो इसी सर्कस में है। अगर उसे जरा भी शक हो गया तो मेरी और तुम्हारी दोनों की जान का खतरा है। Come on, darling. It's time for our item. Come, darling. सर्कस का सबसे खतरनाक आइटम 50 फुट की ऊंचाई पर बिना जाल के हवा में करतब, जिसे पेश कर रहे हैं आपके महबूब कलाकार मिस्टर माइकल परेरा। इसकी जरूरत है।
थैंक यू बॉस। ए डब्बू, हटाओ वो लोगों को वहां से। Hello? जानते हो माइकल की जगह ले सकते हो, लेकिन इस काम में जान का खतरा है। जान की परवाह होती तो यहां क्यों आता? लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? खबरदार, आगे कदम मत बढ़ाना, खतरा है। रामू अजनबी लोगों को पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, बहुत जल्द इससे भी दोस्ती हो जाएगी। गिरधारी जी बॉस, दिलीप के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आदमी होशियार है बॉस, और चालाक भी। मैं तो आपसे पहले दिन ही कहने रहता बॉस कि उसे सर्कस में मत रखिएगा, वो हमारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। दीवान के लिए कोई खतरनाक नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ भी तो पहलवान से कह देना, वो उसका दिमाग ठिकाने लगा देगा। यस बॉस। हेलो पहलवान जी। आपका पांव शायद गलती से लग गया है ना? नहीं बच्चे, गलती से नहीं। मांगिए पहलवान जी, मांगिए। आप तो वाकई भीम सैन। एक बात बताइए, रघुवीर को जानते हैं? नहीं। तो फिर ये प्यार कैसे? हम हर नए आदमी को इसी तरह प्यार करते हैं। तुम हमारे सामने अभी बच्चे हो, समझे? तो हार मानते हैं। अब ये बच्चा उस्ताद से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अरे आप तो पहले ही हाथ में गिर गए उस्ताद। शायद आप नहीं जानते कि ये बच्चा जूडो में उस्ताद है। अरे इधर पैर जमा के उठना उस्ताद। अरे फिर चित अगल बढ़िया। Thank you.
ही आइए। बस बस बस, हम हारा तुम जीता, हम बच्चा तुम उस्ताद। तो रघुवीर ने दिलीप के सारे खानदान को खत्म किया। हाँ राम बाबू, छोटे बाबू की कोई बात तो आपसे छुपी नहीं, इसलिए मैंने सब कुछ आपको साफ साफ बता दिया। बस जब से उन्हें ये असलियत मालूम हुई है, बदले का भूत उनके सर पे सवार हो गया। रात दिन पागलों की तरह घूमते रहते, लीना बिटिया से भी नहीं मिलते, रोज उसका फोन आता। इस वक्त कहाँ होगा वो? कौन जाने, शायद सर्कस गए हो, आजकल वो सर्कस बहुत जाते हैं। राम बाबू, आप छोटे बाबू को समझाइए ना, वरना कहीं वो रघुवीर उसे मिल गया तो छोटे बाबू उसे जिंदा नहीं छोड़े। आप सर्कस में शामिल क्यों हुए? एक खास मकसद से आया हूं। यहां तुम्हारी जान का खतरा है। माइकल का एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। तुम्हें कैसे मालूम कि माइकल का मर्डर किया गया है? माइकल मुझे उस खूनी का पता बताने वाला था जिसने जिसने मेरे माता पिता, छोटे छोटे भाई बहन, इन सबको बेरहमी से मार डाला। माइकल को भी उसी ने मारा है। तुम उस आदमी को तलाश करने सर्कस में आए हो? तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? और कोई रास्ता नहीं, मैं तो उसे ढूंढ नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मुझे ढूंढे और मुझे खत्म करने की कोशिश करे। जो भी इस किस्म की कोशिश करेगा वो या तो रघुवीर होगा या उसका कोई आदमी। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं? हमदर्दी का शुक्रिया, मैं अपना खेल अकेले ही खेलना चाहता हूं। बॉस, दिलीप रघुवीर की तलाश में आया है। रघुवीर उसे कभी नहीं मिलेगा। कल वो खतरनाक आइटम करने वाला है, माइकल की तरह। जिस तरह कुछ दिन पहले माइकल का एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह इसका भी होगा, समझे? यस बॉस। माइकल परेरा की अफसोसनाक मौत के बाद जिस खतरनाक आइटम को पेश करने की अब तक किसी कलाकार में हिम्मत नहीं थी, वो आइटम आज पेश कर रहे हैं आपके सामने हमारी सर्कस के नए कलाकार मिस्टर दिलीप कपूर।
रिटर्न करवाना चाहते थे? नहीं। माइकल को भी एक्सीडेंट के बहाने मार दिया। क्यों? तुम रघुवीर के आदमी हो। कौन रघुवीर? वो इस सर्कस में काम करता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मत मारो। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है। मेरा एक गलत निशाना और तुम्हारा भी एक्सीडेंट। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब बताऊंगा। एक्सक्यूज मी, यस, मैं दिलीप का दोस्त राम हूं। मैं आपसे एक जरूरी बात पूछने आया हूं। पूछो। अगर आप भगवान को मानते हैं तो सच सच बताइए, रघुवीर कौन है? मुझे नहीं मालूम। देखिए, आप इस सर्कस के मालिक हैं और आपको अच्छी तरह पता होगा कि रघुवीर कौन है और इस वक्त कहां है। तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? इसलिए कि अगर रघुवीर मर चुका है तो दिलीप किसी बेगुनाह को रघुवीर समझकर मार देगा और खुद फांसी पर चढ़ जाएगा। और अगर रघुवीर जिंदा है तो मैं अपने दोस्त दिलीप की मौत का बदला अपने बाप रघुवीर से खुद लूंगा। तुम रघुवीर के बेटे हो? जी हां। रघुवीर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारा बाप रघुवीर अब इस दुनिया में नहीं है। और हां, अपने दोस्त दिलीप से कह देना कि वो अपनी जान खतरे में ना डाले। अब बताओ कौन है रघुवीर? सर्कस का मालिक दीवान। दिलीप। राम। दिलीप, मैं जानता हूं कि तुम रघुवीर को मारना चाहते हो। एक ऐसे आदमी के खून के प्यासे हो जो आज से कई साल पहले मर चुका है। नहीं, रघुवीर मरा नहीं, वो अब भी जिंदा है, सिर्फ मेरे हाथों से मरने के लिए, और मैंने उसे तलाश भी कर लिया है। दिलीप, एक बार फिर से सोच लो, तुम्हारे दिल में बदले की आग भड़क रही है। दीवान ने मुझसे खुद कहा है कि रघुवीर मर चुका है। दीवान ने अपनी जान बचाने के लिए तुमसे झूठ कहा है, क्योंकि दीवान ही रघुवीर है। दीवान, मुझे देखकर चौंक गए दीवान साहब, माफ कीजिएगा, बगैर इजाजत के चला आया। अजीब इत्तेफाक है, शो के बाद मैं तुम्हें खुद ही इनवाइट करना चाहता था, मौका ही नहीं मिला। अच्छा हुआ तुम चले आए। उलझ गए हो क्या? कोई ऐसी चाल सोच रहा हूं जिससे फौरन मात हो जाए। ये लो चेक, बचो। ये लीजिए, बच गया। सामने वाला खिलाड़ी भी कोई खिलाड़ी नहीं, एक ही चाल में मैदान साफ कर देता है। तुम्हारा वजीर
हर खिलाड़ी चाल चलते वक्त यही सोचता है कि उसने मैदान साफ कर लिया, तो भी कभी कभी किसी कोने में पड़ा हुआ एक छोटा सा प्यादा बच जाता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो खिलाड़ी मैदान साफ कर सकता है वो एक प्यादे को नहीं मार सकता? अब वो प्यादा प्यादा नहीं रहा दीवान साहब, अब वो कुछ और बन चुका है, शय और मात। इसे पहचानते हैं आप? गौर से देखिए दीवान साहब, गौर से देखिए। यह आदमी आज से 22 साल पहले दुनिया की नजरों में मर चुका था, लेकिन आज भी जिंदा है। सूरत तो कुछ जानी पहचानी मालूम होती है, न जाने इसको कहां देखा। एक मिनट, तुम जिस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो मैं उसे वहां से पहले ही निकाल चुका हूं रघुवीर। चेहरे पर मूंछ और दाढ़ी का नकाब पहनकर तुमने दुनिया और कानून को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुम ये भूल गए कि चेहरा बदल जाने से इंसान कभी नहीं बदलता, किए हुए गुनाह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। गुनाहकार को उसकी गुनाहों की सजा जरूर मिलती है। आज से 22 बरस पहले जो जुनून मेरे सर पर सवार हुआ था, उस जुनून के शिकार तुम मत बनो, मुझ पर रहम खाओ, मुझे माफ कर दो। नीच कमीने, मेरे माँ बाप भाई बहन भी इसी तरह तेरे पाँव पड़े होंगे, क्या तुझे उन पर रहम आया था? हाथ जोड़ता हूँ मैं। दलीप, जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो अब मेरे पास है। 22 बरस पहले जो बच गया था अब नहीं बचेगा। Thank you.
भी क्या हमसे करोगे नहीं, प्यार से क्या हमको देखोगे नहीं, हाँ बात भी क्या हमसे करोगे नहीं, प्यार से क्या हमको नजर आ रहे हो। मुझे भूल जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने खून किया है। क्या? अभी तक मेरे कपड़ों से बारूद की बू आ रही है। मैं अभी अभी एक सर्कस के मालिक दीवान का खून करके आ रहा हूं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने किसी का खून नहीं किया। तुम खून नहीं कर सकते। मैं खून क्यों नहीं कर सकता? मैंने उस कमीने का खून करके अपने पूरे खानदान की मौत का बदला चुकाया है। अब आज नहीं तो कल कानून मुझे गिरफ्तार कर लेगा। नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे भूल जाओ। नहीं।
पैदा हुआ खून मैंने किया। क्यों किया, कैसे किया, ये मैं तभी नहीं बताऊंगा। ना ना, अगर तुझे यही करना था तो क्यों मेरी कोख से पैदा हुआ, क्यों इस बेचारे से शादी की, क्यों अपने बच्चे का बाप बना, अब तुम्हें किसके सहारे छोड़कर जा रहा है। जाने से पहले हम तीनों का गला खोल दो। माँ जी देखिए, जब आपके हाथों खून हो ही चुका है तो आप इसकी वजह क्यों नहीं बता देते। मुमकिन है वजह सुन के कानून आपको माफ कर दे। ये क्या वजह बताएगा, खून करने का जहर इसके खून में मिला हुआ है। उस जहर को आप भी बनाने की मैंने बहुत कोशिश, बहुत कोशिश, बहुत कोशिश की कि उसके खानदान के बुरे कर्मों का साया इस पर न पड़े। आखिर वो साया एक भयानक बादल बनकर हम सब पर छा गया। बस बिजली गिरने की देर है। बिजली सिर्फ मुझ पर गिरेगी क्योंकि खून मैंने किया है। नहीं माँ जी, झूठ बोल रहा है। खून इसने नहीं किया। दिलीप क्यों बे, तेरे सिर्फ कह देने से कानून तुझे खूनी मान लेगा? फर्ज कर खून किसी और ने किया, शायद मैंने किया, तो तुझे सजा कैसे होगी? मुझे अफसोस है राम, तू इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। नहीं तो फिर मेरी आंखों में आंखें डाल और कह के खून तुमने ही किया। रो मत, रो मत। जब तक वो ये नहीं बताते कि वो वहां क्यों गए थे तब तक कानून उन्हें नहीं छोड़ेगा माँ जी, और ये वो बताना नहीं चाहते। क्या पता दीवान से इनका क्या वास्ता था। बहू, तूने फिर उसका नाम लिया? वो शैतान खुद तो मर गया लेकिन मेरी हरी भरी फुलवारी में आग लगा दी, मेरा छोटा सा घर बर्बाद कर दिया। माँ जी, जब वो जिंदा था तब न जाने उसने कितने घर बर्बाद किए होंगे। तुम जानते हो उसे? हाँ माँ जी, आज से 22 साल पहले एक शख्स ने पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। जज, उसकी पत्नी, उसके बच्चे। फिर उसी शख्स ने पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर यह साबित किया कि वो मर चुका है, लेकिन दरअसल वो जिंदा रहा, अपना नाम बदलकर दीवान बन गया लेकिन काम नहीं बदले। कौन था वो, उसका नाम क्या था? रघुवीर। रघुवीर, माँ जी, माँ जी, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, माँ जी, किस मुंह से कहूँ कि वो राम के पिता थे। अब मैं समझी मेरा बेटा क्यों खामोश है। वो ये जाहिर नहीं करना चाहता कि उसके पिता खूनी थे, मुजरिम थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने बाप का खून किया? नहीं माँ जी, नहीं नहीं, कोई और है माँ जी, अब डरने की कोई बात नहीं। बहुत जल्द अदालत से रिहा होकर मेरा दोस्त आएगा, वो हजारों साल जिएगा। भगवान बड़े दयालु हैं माँ जी, वो अपनी दुनिया में अन्याय नहीं होने देते। उसी को लगेगी जिसने खून किया है। अगर ऐसी बात थी तो आप अब तक खामोश क्यों रहे? मुझे यह मालूम नहीं था कि कानून के कदम इतने गलत हैं कि वो एक खूनी तक पहुंचने के बजाय एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे खुद अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ा ताकि मैं कानून के बहके हुए कदमों को सही रास्ते पर ला सकूं। आप ये सब कहीं अपने दोस्त को बचाने की खातिर तो नहीं कह रहे? नहीं, असल में वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, अब आप मुझे गिरफ्तार कीजिए और राम को रिहा कर दीजिए। छोड़ना अदालत का काम है और गिरफ्तार करना हमारा। मिस्टर दिलीप, एक बात जरूर याद रखिए, अदालत के फैसले जज्बात के बिना पर नहीं सबूत के बिना पर होते हैं। आप दोनों में से कौन सच्चा और कौन झूठा है ये फैसला अदालत करेगी। हवलदार, पोटेमेंट। थैंक यू।
यहां क्यों आया? खूनी को सजा दिलाने और बेगुनाह को छुड़ाने। देख दिलीप, अगर तूने इस केस को ज्यादा उलझाने की कोशिश की तो आज से मैं तुझे कभी दोस्त नहीं कहूंगा। देख राम, तेरी मेरी दोस्ती की बुनियाद सच्चाई पर है, झूठ पर नहीं। अगर तूने मुझे दोस्ती का वास्ता देकर झूठ बोलने पर मजबूर किया है तो मैं तुझे दोस्त नहीं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझूंगा। असलियत क्या थी, क्या है जानता है? दीवान कौन था जानता है? जानता हूं, इसलिए मैंने उसका खून किया और इसीलिए उसकी सजा मैं भुगतना चाहता हूं। तुझे वो सजा भुगतने का कोई हक नहीं क्योंकि तू शादीशुदा है, तेरा बच्चा है, तेरी मां है। और जब जज साहब का खून हुआ था तब तो वो शादीशुदा थे और कई बच्चों के बाप थे। और जिसने जज साहब का खून किया वो भी शादीशुदा था। मैं उसकी पत्नी को मां, उसके बेटे को दोस्त और बहू को भाभी कहता था। इसके बावजूद भी मैंने उस आदमी का खून किया और इस खून के साथ हिसाब खत्म हो गया, बदला पूरा हो गया। और तू इस केस को उलझाने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्योंकि बाप का लिया हुआ कर्ज उसका बेटा चुकाता है और मैं उसका बेटा हूं। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है मेरे दोस्त कि हम दोनों दोस्तों ने दो दुश्मनों के घर में जन्म लिया। बदकिस्मती नहीं, खुशकिस्मती है मेरे दोस्त। हम दोनों की दोस्ती और इंसानियत का इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है और हम दोनों तभी कामयाब होंगे जब हम सच बोलेंगे, सिर्फ सच। नहीं, हम नहीं पहचाना। तुम कैसा पहचानेगा मैन, जब हम इधर काम करता था तो तुम जेल में चक्की पीता था और जब तुम इधर आया तो हम दूसरे सर्कस में काम करने को गया। ए, क्या नाम है तुम्हारा? लूसी द शूटर। बहुत सारे सर्कस में काम किया मैन, चेमनी सर्कस, कमला सर्कस, निर्मला सर्कस, उर्मिला सर्कस, नेशनल सर्कस, इंटरनेशनल सर्कस। सफल देखेगा मैम। ओ, सैंपल की क्या जरूरत है? लूसी द शूटर। बेबी, जब तुम निशाना इतना अच्छा लगाता है तो मेरी जान, फिर सर्कस पे सर्कस क्यों बदलता है तुम्हें? इसलिए कि हमको नया नया अच्छा लगता है, पुराना से हम बोर हो जाता है। तुम बोर नहीं होता है मैं? डार्लिंग, हम भी बोर होता है, हमको भी रोज नया नया अच्छा लगता है। हमारा मतलब नौकरी से था। ओ, नौकरी। चाओ मैन, दीवान को बोल लूसी आया है। दीवान ऊपर। ऊपर? तुम पेपर नहीं पढ़ता? No paper, no time. अच्छा? सुबह को जिन, दोपहर को बियर और रात को विस्के। पेपर और नो पेपर, बट देयर इज नो दीवान। अब इस पूरे सर्कस का सोल प्रोप्राइटर इज मिस्टर गिरधारी लाल, समझा तुम? मिस्टर गिरधारी लाल? यस। माय डियर सोल प्रोप्राइटर, चीयर्स। अरे मेरी जा, दीवान अपनी मौत से नहीं मरा, उसका खून किया गया डार्लिंग, खून किया गया और उसका खून दिलीप ने किया है, दिलीप ने। ओह दिलीप डार्लिंग, हाउ ग्रेट, हाउ ब्रेव, जिसने दीवान का खून किया। डार्लिंग, डोंट टच मैन। अरे मेरी जान, तुम किधर जाते हो? तुमको सिर्फ हम टच कर सकता है, दिलीप नहीं। ड्रिंक डालो ड्रिंक, कम ऑन फॉर ड्रिंक। इस दुनिया में सिर्फ हम ब्रेव है, दिलीप नहीं, हम ग्रेट है।
बात यह है लूसी कि दीवान का खून दिलीप ने नहीं किया, मैंने किया, मैंने। वो दीवान नहीं, रघुवीर था, रघुवीर, इसलिए दिलीप उसका खून करना चाहता था। मैंने मौके का फायदा उठाया। अच्छा सुनाओ, फिर क्या हुआ? मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं, मुझे प्लीज बचाइए ना। गुंडे पड़े हैं, बचाइए। फिर क्या हुआ? फिर हाँ, ये क्या हुआ? हमारी मुक्का, अरे हंटर वाली भी हवा हो गई। अच्छा, हंटर वाली मुसीबत में। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। मैं टार्जन हूँ, आई एम टार्जन। फिर क्या हुआ? अरे हंटर वाली फिर आ गई। देखिए आप अब्दुल्ला ट्रैकर है ना? आपको कैसे मालूम कि मैं अब्दुल्ला? कैसे मालूम? आप दिलीप को जानते हैं? दिलीप कुमार? दिलीप कुमार नहीं, मेरा दिलीप। अच्छा, वो हमारी ब्रदरी का नकली शिकारी कहाँ है वो? देखिए उसे पुलिस ने बंद कर रखा है। मेरे आदमी को पुलिस ने बंद किया? क्यों? आप मेरा एक काम कर दीजिएगा, आप उसे जाके कहिएगा कि दीवान का खून उसने नहीं, गिरधारी ने किया है। अरे मैं क्यों कहूँ? मैंने नहीं किया। प्लीज। अरे भाई मैंने नहीं किया भाई। प्लीज अब्दुल्ला, मैंने नहीं किया भाई। प्लीज। मैंने खून किया है? नहीं, दीवान का खून गिरधारी ने किया है, आपने नहीं। अच्छा, दीवान का खून गिरधारी ने किया है? दीवान का खून गिरधारी ने किया? दीवान का खून गिरधारी ने किया? गिरधारी ने किया? बारह शेरों के पिंजरे में बंद करूंगा ताकि तू पुलिस तक न पहुंच सके। डर के मारे मर जाए। अच्छा तो घूंघट खोल। रेडियो तो बजता है ना तेरा? हवलदार नायक, इंस्पेक्टर ईगल किधर है? अरे हवलदार नायक, इंस्पेक्टर ईगल किधर है? कौन फोन कर रहा? इंस्पेक्टर ईगल। मैं इंस्पेक्टर ईगल नहीं हूँ, ये पुलिस स्टेशन है। मैं समझा कि रेडियो स्टेशन है। मेरे लॉर्ड, जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, ऑर्डर ऑर्डर। अरे फिर क्या हुआ? हम बेलगाम के अंदर पिया। किधर पिया? बेलगाम के अंदर। बेलगाम के अंदर पिया, उधर से हम बॉर्डर क्रॉस किया अपनी रानी के साथ। क्या क्रॉस किया? बॉर्डर क्रॉस। बॉर्डर क्रॉस किया और एक्सीडेंट मारा महाराष्ट्र के अंदर। क्या मारा? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट। हवलदार नोट करो। नोट करो हवलदार। अरे वाह वाह वाह, ये जल्दी से नोट करो। वाह वाह, एक लड़का एक लड़की को छेड़ता है तो फौरन उसको अंदर कर देते हो। एक लड़की एक लड़के को छेड़े तो अंदर क्यों नहीं करते? करते हैं, करते हैं। तो करो ना। ओहो, एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ? एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ ये बिल्कुल नहीं मालूम। अरे भाई, एक्सीडेंट के बाद मेरी रानी के अंदर पंजे ढीले हो गए। रानी कौन?
मेरे राय साहब, तुमको ये भी नहीं मालूम कि रानी क्या होती है? अरे रानी वो होती है जिसकी चाल पे दुनिया दीवानी, जिसकी सुरीली आवाज को सुनकर लोग परी परी, जिसके चार टायर, जिसके चमकदार बम्पर, जिसका पॉप 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 पॉप, जिसका स्टार्टर। तुम्हारा मतलब तुम्हारी गाड़ी है? हाँ मेरी गाड़ी, मेरी छोटी सी खटारा। इंस्पेक्टर रमेश। रमेश, रमेश मेरे भाई। ले जाओ। तुम सुन लो, तुम इंस्पेक्टर ईगल हो क्या? था भाई इंस्पेक्टर ईगल, कितने दयालु मुझे बाहर निकाल दिया। तुम सबको भी बाहर निकाल देगा, बेचारा खुद अंदर हो जाएगा। अरे अरे डुप्लीकेट शिकारी अवतार नायक, मेरा भाई अंदर है, या तो उसे बाहर निकालो नहीं तो मुझे अंदर करो। एक बात करनी है अवतार नायक, मेरा बाटला अंदर से ले करो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको ये मालूम हो जाए कि हम दोनों में से खूनी कोई नहीं बल्कि कोई तीसरा है तो? देखो मिस्टर तबीब, पहले अपने दोस्त को बेगुनाह साबित करने के लिए बहस कर रहे थे और अपने आप को बेगुनाह साबित कर रहे थे, अब इस केस में अचानक ये तीसरा मुजरिम कहां से टपक पड़ा? अरे वो कल आया था ना दारू वाला अब्दुल्ला, उसने खबर दी कि खूनी कोई तीसरा है। देखा, तुम दोनों दोस्त मिलकर कानून को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, आप असली खूनी को बिना सबूत तो गिरफ्तार करेंगे नहीं। अगर हम सबूत पेश करें तो? लेकिन सबूत बहुत दूर है, अगर आप थोड़ी सी छुट्टी दें तो हम दोनों सबूत लेकर हाजिर होते हैं। देखो, नई नई कहानियां बनाकर मेरा दिमाग खराब मत करो, जो कुछ कहने अदालत में कहना, अंडरस्टैंड? क्या पेट में दर्द है इंस्पेक्टर साहब? मैं दोस्त को पेट में दर्द है, गाड़ी रोकिए, चुप कीजिए, मेरा जो का दोस्त है मैं बनूंगा। ओए शट अप साहब, बड़ा कौन ही पेन है, प्लीज सब प्रकार, प्लीज ह्यूमैनिटी के नाते, इंसानियत के नाते। ओके आई एम स्टॉपिंग, डोंट गेट वेरी पैनिकी। मैं प्लीज सब प्रकार, स्टॉप इट, स्टॉप इट प्लीज। आप किसी डॉक्टर को बुलाइए, नहीं हो तो किसी नर्स को बुलाइए प्लीज, लेकिन कुछ कीजिए। देखिए ना दोस्त, ऐसा संभाल के पास किसी डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी आओ। गया Inspector Eagle! Who are you? I am Doctor No! You can't go! Again, you drunkard, go to hell! No, you are not well! What? Yes! Hal bimari ki dawa hai daru! Pehli dhar ka maane! Leta hai kya? Arre, badnaseeb hai!
अरे बैठी कमारे डार्लिंग इंस्पेक्टर इडियट्स, इस भागम दौड़ी की माफी, हम असली खूनी को पकड़ने जा रहे हैं। अगर कल सुबह तक उसे आपके पास ना ला सके तो हम खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे। Thank you.
नहीं मिलाओगे? अब आप हमें शौक से गिरफ्तार कर लीजिए, हमारा काम पूरा हो गया। हाँ लुक 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 सी बजा। तुमसे हजार मरते कहा है, मैं इंस्पेक्टर ईगल नहीं हूँ, इंस्पेक्टर रमेश हूँ। इंस्पेक्टर तो है ना, इंस्पेक्टर साहब इस वक्त आपका शिकार हैची की चोच में है। किसकी चोच में है? अपनी चोच बंद करो। नहीं 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 नहीं। हाँ गिरदारी। जी सर। अपना जुर्म कबूल करते हो? ना नहीं करेगा, नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। मिस्टर हज, इसको अपनी चोच में ऊपर उठाओ। हाँ मैं सब बता। वेरी गुड, अब नीचे गिराओ। हाँ मैं सब बता दूँ। गुड, ऊपर उठाओ, उठ गया, नीचे गिराओ। ये बात आरोपी एकदम तैयार। अब इससे सवाल करिए आप, अब डरिए मत, करिए करिए। बोलो गिरधारी। बोलो। रघुवीर मुझे ब्लैकमेल करता था। फिर क्या हुआ? इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। मुझे पता चला कि दिलीप रघुवीर का खून करना चाहता है। जैसे दिलीप का निशाना चूका, मैंने मौके का फायदा उठाया और रघुवीर को गोली मार दी। और इल्जाम दिलीप पे लगा दिया, मुझे छोड़ दो। फिर क्या हुआ? हार के लिए मुझे छोड़ दो। Shut up हुआ, I'm sorry। बचा, मुझे छोड़ दो। He's landing। ये आजू। ले जाओ इसे। Thank you, Mr. दिलीप, Mr. राम, thank you very much। मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, जिस सच्चे इंसान ने मुझे इंसानियत का सबसे पहला सबक सिखाया था, मैंने उसी के पिता का खून करने की कोशिश की। Forgive me, दिलीप, इसमें अफसोस की क्या बात है? मेरे पिता ने तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया, इसके बावजूद तुमने मुझे अपने गले से लगाया।
मेरी माँ को अपनी माँ समझा, इससे बढ़कर इंसानियत और क्या हो सकती है। कभी कभी बुराई से भलाई का जन्म होता है बेटा। तुम दोनों के खानदानों के दिलों में जो बदले की आग जल रही थी बुझ गई, अब दोस्ती हो गई। एक्सक्यूज मी मदर इंडिया, आई एम सॉरी। मेरा एक सवाल है, हंटर वाली और मेरे प्यारे डुप्लीकेट शिकारी, जरा पीछे जाओ, यादों की बारात लेकर फ्लैशबैक में, जब उस दिन तुमने मुझे कमरे में दारू पिलाई थी और तुम हंटर वाली को जंगल में लेके गए थे, फिर क्या हुआ? ताकि कुछ नहीं हुआ, अब होगा। ये कुछ हुआ।